नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम आपको आज इसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिसका आपको पहले से पता नहीं होगा। देखिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में लिखिए यू आर गेटिंग ओल्ड। लिखने के बाद आपके सामने ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा और जो सबसे ऊपर दिया हुआ है वहाँ क्लिक कीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, दिस इज फॉर ए फ्रेंड एंड दिस इज फॉर मी। हम अपने लिए देख ले रहे हैं, तो ये पहले से क्लिक है। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ अपनी बर्थ दिन, यहाँ पर अपना महीना डालिए और यहाँ पर अपना साल डालिए जो अभी आपका बर्थ ईयर है। और सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ गो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, गो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक ऐसा पेज ओपन हो गया जिसमें हमें अपने बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ है जैसे अक्टूबर 3, 1992। ये देखिए, हम 24 साल 7 महीने और 7 दिन के हो चुके हैं आज तक। और यू आर 8,985 डेज ओल्ड, हम 8,985 दिन के हो चुके हैं। और नीचे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम अभी देखने जा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, नीचे योर स्टार साइन इज लिब्रा, योर बर्थ स्टोन आर ओपल और टर्मोला, द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन ऑल बर्थडेज केक्स सो फार इज 300, योर हार्ट हैज बीटन, आपका दिल इतनी बार धड़ चुका है अब तक, और आप अब तक इतनी बार सांस ले चुके हो, द मून हैज ऑब्टेंड द अर्थ 329 टाइम सिंस यू वर बोर्न। और ये देखिए नीचे, जब आप पैदा हुए थे तब पृथ्वी पर इतने लोग जीवित थे, और अब फिलहाल आज तक इतने लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं। आगे हम नीचे और देखते हैं, यू आर सो ओल्ड दैट, यहाँ देखिए, यू आर क्वाइट द ट्रैवल, हमारी जो यात्राएं हैं वो देखिए, हाउ फार यू हैव ट्रैवल्ड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ हैज रोटेटेड बेस्ड ऑन लाइविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। नीचे द डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यू सी नीचे द डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड एज सन रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। और नीचे है, एज यूर गैलेक्सी इज मूविंग रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब हमारे वर्तमान, हमारे जो पास्ट में है वो देखते हैं, जो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, जब आप एक बच्चे थे, एज एन इन्फेंट, मतलब जब आप बच्चे थे, पैदा ही हुए थे, मात्र कुछ ही महीनों के थे, तब कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी, ये देखिए बहुत ही सारी घटनाएं दी हुई है। यहाँ शो मोर पर क्लिक कीजिए और आप सभी घटनाएं जो उनको भी देख सकते हो। और नीचे देखिए, एज ए चाइल्ड, जब हम एक बच्चे थे तब कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी, देखिए 9/11 का जो घटना हुई थी, तब हम 8 साल के थे, द लास्ट एपिसोड ऑफ द टीवी शो फ्रेंड्स ईयर्स आया था, तब हम 11 साल के थे। एज ए टीनेजर, जब हम थोड़े से बड़े हुए, करीब 15-16 साल के, तब देखिए 15 जुलाई 2006 को ट्विटर लॉन्च हुआ था, तब हम 13 साल के थे। ओसामा बिन लादेन जब मारे गए थे, देखिए 2 मई 2011 को, तब मैं 18 वर्ष का था। इन यूर 20th ईयर, 20 साल होने के बाद हमारे जो बटरी घटनाएँ घटी वो देखिए कौन कौन सी है। और माइलस्टोन देखिए, 15 फरवरी 1994 को हम 500 दिन के थे, 30 जून 1995 को 1000 दिन के हो गई,
26 मार्च 1998 को 2000 दिन के, और ऐसे सभी दिन को हम फड़ा सकते हैं। ये देखिए, कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के साथ कंपेयर। जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ लगभग 1 लाख बच्चे और पैदा हुए थे, उसमें से 98,097 आर स्टिल लिविंग, अभी जीवित हैं, और फिलहाल जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वे इस दुनिया में नहीं है। ये नीचे देखिए, इसमें हम और बहुत कुछ देख सकते हैं। शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ देखिए, हम अपने बारे में, अपने जीवन में जो भी बड़ी घटनाएं हुई है सब का पता कर सकते हैं। जब हम कितने साल के थे जब वो घटना हुई, सभी घटनाओं का इसमें ब्यौरा है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपने बारे में हर नॉलेज इकट्ठा कीजिए, आपको आपके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।